कनाडा का प्रधानमंत्री रहते हुए जस्टिन ट्रूडो ने एक ही समय पर भारत, रूस और चीन तीनों से पंगा ले लिया है। कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पहली बार कहा है कि भारत वो देश है जिससे कनाडा को खतरा हो सकता है। जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को अभी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। दीप सिंह निजर के जो असैसिनेशन हुई थी उसमें भी ये लानस बिश्नोई के लोग शामिल थे जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब रिसेंटली उसने बाबा सिद्दीक को भी मारा। जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप भी लगाया है कि भारत, रूस और चीन कनाडा के चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, मुझे सत्ता से निकालना चाहते हैं। गोइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया कनाडा, ये चीजें पहली बात है, ये कनाडा इंडिया चीजें नॉर्मलाइजेशन जो है ये अमेरिकन ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। कनाडा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है, सो दिल बी ए प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। अमेरिका पे भी प्रेशर होगा, यूरोपियन यूनियन पे भी प्रेशर होगा कि इंडिया क्या कर रहा है, कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में लोगों को मरवा रहा है। कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि भारत सरकार एक आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है, ये साइबर प्रोग्राम कनाडा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक, और जो रिसेंटली अभी आज कल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निजर साहब कौन थे, निजर साहब के जो 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 एक्विजिशन जिस अक्यूज है, जो अंडर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर, वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया, उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कैनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कैनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा 26 दफा एक्सटेंडेशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा, भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निजर साहब है वो ही वॉज वर्किंग फॉर द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कैनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा, वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में रिफ्यूज किया। उन्होंने फिर इसके बाद एक और एलिगेशन है कि उन्होंने बाइडन साहब से कहा था कि आप मोदी जी से बात करें, बाइडन साहब ने भी मोदी जी से बात की थी, अब उसका रिजल्ट क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं। तो ये सारी एलिगेशंस इकट्ठी की जाए, अच्छा उसके बाद ये हुआ है क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लैनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी, उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कुछ प्रवोक नहीं करना चाहते, वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई, कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बर्तानिया को जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं की, नहीं हो सकी। क्योंकि अमेरिका का ये है कि अमेरिका ने एक कार्ड्स एक्ट अप्रूव किया हुआ जिसके मुताबिक अमेरिका के जो एलायस हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। सो
इन दैट सेंस फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने S-400 लिया तो अमेरिकन ने इसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इसको वन टाइम वेवर देते हैं। इंडियंस ने तो वेवर नहीं मांगा था, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारी जरूरत है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज टेकिंग ए टफ लाइन, सो अमेरिकन थ्रू अदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इस तरह की पोजिशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सैंक्शन लिस्ट पर डाला हुआ है अमेरिकन ने, ठीक है ना। ये कोई ये इंडिया के अकेले नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि अच्छा है क्या, अब यूनाइटेड स्टेट कहता है जी कि 400 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन लिस्ट में डाला। सो डोंट फॉरगेट इंडिया कैनेडा जो इस वक्त जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रही है, एनवायरनमेंट चल रहा है। सो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सैंक्शन किया है, डेजिग्नेट किया है चाइनीज, इंडियन, मलेशियन, थाईलैंड की कंपनियों को, यूएई जिसके साथ अगले दिन उन्होंने मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं, इंडिया के साथ सोसा एग्रीमेंट साइन किया है भाई, ठीक है। तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ठीक है जी। और इसमें कोई महब वो नहीं है, कांग्रेस का कोई वो उस तरह नहीं है। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दे हैव बीन डूइंग दिस, वो सो ये जेन में रखें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट सेटल बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा, दैट इज वाई। क्योंकि इंडिया ने जो बार बार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, आई थिंक अमेरिकन को ये बात हजम नहीं हुई, ठीक है। एंड देन अबव ऑल ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गए। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। अमेरिकन कह रहे हैं वो इंडिया का मौका ये है, जारी बात है कि अगर अमेरिकन थ्रू कनाडा हम पे टफ आ रहे हैं तो दे आर यूजिंग अ प्रॉक्सी इन अदर वे। ऑल्दो कि इंडिया कनाडा कहता है जी यू नो दिस इज नॉट ए दिस इज इंडियंस कांट से दिस अमेरिका इज यूजिंग कनाडा एज अ प्रॉक्सी, बट दे आर सेइंग दैट यू आर यूजिंग दिस कंट्री to be tough on us to give us a lesson। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों कनाडा ने मौजूदा कूटनीतिक संकट के बीच फिर से ऐसी हरकत की है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। दरअसल कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य विरोधी के रूप में लिस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक तनाव के बाद भारत समर्थक हैक्टिविस्ट समूह की ओर से कनाडाई वेबसाइटों पर साइबर हमले किए जाने का आरोप लगाया गया है। कनाडा सरकार ने पहली बार देश के साइबर सुरक्षा केंद्र की ओर से प्रकाशित अपने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 में भारत को प्रतिकूल रूप से मार्क किया है। दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने राजनीतिक पद के लिए भारत विरोधी एजेंडा हमेशा से चला रहे हैं। वे अपने आप को भारत से बड़ा दिखाना चाहते हैं क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इसका विरोध कर वो सोच रहे हैं वोट पा जाएंगे।